भैयाओं नमस्ते। आज हम क्लास सिक्स और विषय गणित प्रकरण पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली 2.1 में हमने पिछले समय हमने प्रश्न नंबर 5 तक अध्ययन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं किसी भी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या। जैसे 7 के पहले 6 आती है, 15 के पहले 14 आती है, तो इस प्रकार पूर्ववर्ती संख्या निकालना। पूर्ववर्ती संख्या का अर्थ है ठीक पहले आने वाली, अर्थात जो संख्या किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या दी गई है उसमें से एक घटाना। तो अपन ए है इसका 94 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती का मतलब इसके ठीक पहले आने वाली संख्या, अर्थात इसमें से 94 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका अर्थ कितना हो जाए 93। तो ये इस प्रकार आपकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी 93। बी वाले में है 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या है। 10,000 में से माइनस 1 किया तो यहाँ से 2 लेंगे, तो यहाँ से 2 इधर आए 10 में से यहाँ आ गए 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, 10 में से इधर आते 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, 10 में से इधर आते यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 रहे, अर्थात 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 रहे तो 9 जैसे, तो 9999 इस 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार सी वाला भाग है 208,090, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। 208,090 की पूर्ववर्ती संख्या 208,090 में से माइनस 1 करेंगे तो इसमें से भी यहाँ से भाई भी 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रहेगी 8, ये 0 की 0, 8 का 8, 0 और 2, तो अर्थात 208,089 इसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है संख्या के निम्न युग्मों, युग्म कहते हैं दो संख्याओं का एक युग्म कहलाता है। तो संख्याओं के युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा के आधार पर बनाना है कि कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का मतलब ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह कौन सा आएगा उसका प्रयोग करते हुए लिखना है। तो इसमें है जैसे इसका ए भाग है 500, 530, 503, ये दोनों संख्याएं, इस दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर जैसे मान लो अपनी ये संख्या रेखा बनाए, ये संख्या रेखा, तो यहाँ पर अपने 0 कर दिया, इसके बाद अपने यहाँ पर हो गया 100 कर ली 100 और यहाँ 200, 300 और ये 400 और ये 500 और ये 600। अब इस संख्या रेखा को अपना है 530 और 503, 503 और 530 कहाँ आएगा, 503 500 से बड़ा है, 530 600 से छोटा है, तो अर्थात 500 और 600 के बीच में प्राप्त होगा। तो इस संख्या को रेखा को अपने फिर बढ़ाया, ये 0, ये अपने इस संख्या रेखा को बढ़ा दिया 0, अब यहां लिख दिया अपने 510, 501 से गिनती लिखेंगे अपन, ये 501, 502, 502, 503, ये 503 यहां, इस प्रकार यहां पर संख्या आएगी। आपने कल्पना कीजिए कि 510 अपने यहाँ तीन यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ देखिए 510 यहाँ प्राप्त हो, इस प्रकार
510 यहाँ हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 520 और 530, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 530। तो अपने है 530, ये संख्या रेखा के, संख्या रेखा के, अब ये पूछ रहा है संख्या रेखा, पूर्ण संख्या रेखा अन्य संख्या के बाईं ओर, तो कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है, तो ये 530, 503, 530 के बाईं ओर है, अपन लिख देंगे, अतः 503 संख्या, 503 संख्या 530 के बाईं ओर है। बाएं ओर का मतलब ये बायां अपना, तो इसे जीरो से इधर का बायां और इधर का दायां, तो ये जीरो है, तो ये 530 इधर है, तो इसके बाएं ओर स्थित है 530। इसी प्रकार और भी संख्या अपन लिख सकते हैं, बी वाले में 507 और 370, ये भी सीखता है अपन, गिनती लिखेंगे तो 307 से यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं अपन, मान लो ये अब 307 यहां से लिखेंगे अपन और 370 अपनी कौन सी संख्या होगी, परवर्ती संख्या, इसके बाद आने वाली संख्या, तो इसके बाद आने वाली संख्या किधर आएगी, ये 308, 9, 10, ये 310 यहाँ हो गया, ये 320, 330, 340 और 350 और 360 और 370, तो अपनी 370 के बाईं ओर है, ये इसका बाएं 370, अतः 307 संख्या 370 के बाईं ओर है। इस प्रकार अपन ने कौन सी संख्या बाईं ओर है, कौन सी संख्या दाईं ओर है, इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको भी आपके समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य, प्रश्न नंबर 8, निम्न कथनों में से, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, ये पूछा गया, तो इसका क्वेश्चन नंबर ए, ये देखिए ये में है सुनने सबसे
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो भैयाओं प्राकृतिक संख्या हमेशा शुरू होती है एक से, एक दो तीन चार पाँच अनंत तक। तो अर्थात प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, अर्थात शून्य सबसे छोटी संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है? एक। तो ये कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये कह रहा है जो असत्य है। यहाँ लिख देंगे आंसर में असत्य, ये असत्य इसका आंसर। बी में लिखिए, बी में है 400 का पूर्ववर्ती इसमें है 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। प्रश्न वाला कह रहा है 400 जो दे रखा है वह 399 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो पूर्ववर्ती करते हैं ठीक पहले आने, तो 399 की 400 को पूर्ववर्ती संख्या बना बता रहा है, जबकि 399 के 400 बाद में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। 399 के पहले तो कौन से आ रहा है? पहले आने वाली संख्या के लिए तो एक माइनस कर, तो 399 में से एक माइनस करेंगे तो 398, तो 398 इसकी पूर्ववर्ती संख्या है। अर्थात जो ये कह रहा है ये भी असत्य है। इसके बाद सी वाला, इसमें है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ही हमेशा शुरू होती है जीरो से, तो जीरो से शुरू होती है, जीरो एक दो तीन चार। तो ये कह रहा है जो बिल्कुल सही है, शून्य पूर्ण संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है, यह है सत्य। तो इस प्रकार सत्य असत्य आप भरेंगे। सभी प्राकृतिक संख्या बी में है, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये कह रहा है जो ये भी सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है, तो जीरो से एक दो तीन चार प्रारंभ होती है, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी है। भैयाओं जो आज अपने ये पढ़ा है इसी को आपको होमवर्क में करना है। धन्यवाद। जो समझ में नहीं आता है विद्यालय में पता रहे। स्वागत है।